देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं बनाना बॉन्डिंग, तो सबसे पहले जो मेरे को बनाना बॉन्डिंग मिली वो कहाँ मिली थी, BH3। मैंने देखा BH3 डाइमर फॉर्म में रहता था, B2SX, और जब डाइमर फॉर्म में रहता है तो इससे उसके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गए थे और स्ट्रक्चर भी चेंज हो गई थी। ये SP2 था, इसमें SP3 था, ये प्लेनर शो कर रहा था, ये नॉन प्लेनर। तो मेरे दिमाग में यहाँ पर एक पॉइंट आया कि ऐसा क्या हुआ कि ये इस फॉर्मेट में चेंज हो गया। भाई ठीक है हो गया, लेकिन हुआ तो किसी बॉन्ड के थ्रू ही होता है। जब भी दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं, पॉलीमराइजेशन होता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके पीछे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये दिमाग में आया, तो अभी तक मेरे दिमाग में ये था कि बोरोन के पास तो ठीक है अपने आप में कोई भी पॉलीमराइजेशन यानी कि डाइमर बनने के पीछे लॉजिक रहता है कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन रहे तो ये ऐसे ही दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना ले, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बना ले। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, इसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल था और दूसरे मॉलिक्यूल में भी एम्प्टी ऑर्बिटल था। तो एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने जब इसको देखा आगे इलेक्ट्रोस्कोप से तो हमारे को पता चला कि बोरोन सेंटर एटम है और इससे एक दो नहीं चारों हाइड्रोजन अटैच थे और चारों हाइड्रोजन हमें यहाँ पर भी देखने को मिली, ठीक है। तो फिर कंसेप्ट चालू हो गए। क्या कंसेप्ट हुए कि भाई ये जो हाइड्रोजन थी, ये हाइड्रोजन कभी इसके साथ है कभी इसके साथ है, ये वाली हाइड्रोजन जब इसके साथ है, ये वाली हाइड्रोजन जब इसके साथ है तो ये वाली हाइड्रोजन इसके साथ होगी, और जब ये हाइड्रोजन इसके साथ है तो ये वाली हाइड्रोजन इसके साथ होगी। ऐसा कंसेप्ट बनाया गया, लेकिन फाइनली इसको भी रिजेक्ट कर दिया और ये कहा दोनों हाइड्रोजन दोनों बोरोन के साथ हमेशा है, ठीक है। और यानी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। इस वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंडिविजुअली किसी एक के साथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंडिविजुअली एक के साथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस बॉन्ड। इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। समझ में आ रहा है? तो ये चेंजेस तो होने तय थे पक्का, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अलग ही तरह का बनाना बॉन्डिंग हुआ। तो बेन बनाना बॉन्डिंग इज प्रेजेंट देन देयर आर चांस टू जनरेट, सॉरी यहाँ हमारे पास आएगा व्हेन बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, प्रेजेंट की जगह एब्सेंट। देन देयर आर चांस टू जनरेट बनाना बॉन्डिंग, ये हमारे पास होगा, या नॉट प्रेजेंट लिख सकते हो। तो जब बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा तभी आपको बनाना बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग की प्रायोरिटी बनाना बॉन्डिंग से क्या होगी, ज़्यादा होगी। बैक बॉन्डिंग की प्रायोरिटी बनाना बॉन्डिंग से क्या होगी, ज़्यादा होगी। यदि आपको चांस मिल रहा है तो आप पहले किसको सेलेक्ट करोगे, बैक बॉन्डिंग को। बैक बॉन्डिंग के लिए एक के पास लोन पेयर होना चाहिए और एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है लेकिन लोन पेयर नहीं है, तो हमारे पास चांस किसका बन रहा था, बनाना बॉन्डिंग का, और ये बनाना बॉन्डिंग हुई। दूसरा पॉइंट है इन बनाना बॉन्डिंग ब्रिज एटम इज द पार्ट ऑफ बोथ द सेंटर एटम। मैंने आपको सही बताया कि ये जो ब्रिज एटम है, जो ब्रिज हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों बोरोन के साथ साइमल्टेनियसली शेयर्ड है। नेक्स्ट, ड्यू टू बनाना बॉन्डिंग द वैलेंसी ऑफ बोरोन बिकम 4 एंड इट शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल सही है, यहाँ पर अब जो वैलेंसी बोरोन की वो 3 नहीं है, कितनी है, 4 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अगर आपसे कहा जाए sp3 bs3 में क्या है तो sp2, b2s6 में क्या है, sp3, दोनों में चेंज हुआ है। ये एक प्रोसेस हुआ है जो पॉलीमराइजेशन हुआ है, रिवर्सिबल है, गर्म करोगे वापस इसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, थोड़ा सा हीटअप करेंगे वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठंडा करेंगे इसमें चेंज हो जाएगा। इन अबव बनाना बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर सेंट्रलाइज बिटवीन 3 न्यूक्लियाई। भाई ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये किस न्यूक्लियाई में होंगे, आपको दिख ही रहा है, एक तो ये वाली न्यूक्लियाई, एक ये वाली न्यूक्लियाई, एक ये न्यूक्लियाई, इनके बीच में घूमते रहेंगे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो 1 2 3, तीन एटम 3 न्यूक्लियाई के बीच में घूमेंगे। तो मैं इसको बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, सो इट्स कॉल्ड 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड बोलूंगा ही। द शेप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड इज लाइक बनाना, सो इट्स कॉल्ड बनाना बॉन्डिंग। पर इसकी शेप जो बन रही थी वो मेरी बनाना की तरह थी, तो मेरे को इसका नाम क्या देना पड़ा, बनाना बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग को तो फिर भी मैं चलो रेजोनेंस बोल सकता हूँ, लेकिन बनाना बॉन्डिंग को मैं कोई और नाम नहीं दे पा रहा था,
पक्का, तो मैंने इसका नाम क्या दे दिया, बनाना बॉन्डिंग। बनाना बॉन्डिंग का एक नाम और हो सकता है, वो है टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड। बोलो यस और नो। तो कुछ कुछ समझ में आया आपको बनाना बॉन्डिंग का? तो ये मेरे पास एग्जाम्पल आया था बनाना बॉन्डिंग का, लेकिन इससे क्या फर्क हुआ, इससे बहुत सारे फर्क हो गए और भी प्रॉपर्टी चेंज हुई हमारी। जब हम ये स्ट्रक्चर लेते हैं तो हमारे पास कुछ और पॉइंट्स आ गए। देखिए, यानी ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है ये स्ट्रांग है और ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है ये वीक है। तो आप मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में ला सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6। और ब्रिज हाइड्रोजन उस प्लेन के आउट ऑफ प्लेन में होंगे, ठीक है ना? तो आप ये पॉइंट भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑल टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल का मतलब ये 1 2 3 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड बोरोन एटम, बोरोन एटम्स यानी आर इन सेम प्लेन बट ब्रिज हाइड्रोजन, ब्रिज हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर प्लेन। तो ये बिल्कुल बाहर की तरफ होंगे। इससे हमारे को पता चलेगा मैक्सिमम हाइड्रोजन इन सेम प्लेन कितना होगा, 4 या 6, 4, क्योंकि आप इन सबको ले सकते हो, ये तो प्लेन के बाहर है। इट मींस मैक्सिमम हाइड्रोजन इन सेम प्लेन इज 4। चलिए 4 ही लिख लीजिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और चीज कि जो ब्रिज हाइड्रोजन है वो दो से जुड़े हुए हैं, और जो जिसका कनेक्शन दो से होता है वो वीक होते हैं। तो ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू टर्मिनल हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास एक और पॉइंट आ सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिज हाइड्रोजन अटैच्ड विद वीक बॉन्ड विद बोरोन एज कंपेयर टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन सो दैट बॉन्ड लेंथ ऑफ बोरोन हाइड्रोजन ब्रिज इज कंपेरेटिवली मोर। कंपेरेटिवली मोर और हाई, जो भी आप लिखना चाहें। ये हमारे पास एक और पॉइंट हो गया। तो ये हमारे पास बनाना बॉन्डिंग का कंसेप्ट हुआ। यस, लेकिन क्या आपको लगता है बनाना बॉन्डिंग होने के लिए क्या चाहिए था आपको? एक के पास खाली ऑर्बिटल और एक के पास कुछ भी नहीं। तो बनाना बॉन्डिंग और भी जगह देखने को मिली, अदर एग्जाम्पल, और वो थी हमारी AlCH3 यानी 3। ये हमारे पास डाइमर में चेंज हो गया Al2CH3 6। कैसे? ये Al है, CH3 CH3 CH3। हम यहाँ बोल सकते हैं इस पे sp3 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर प्लेनर।
जबकि यहाँ हमारे पास एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है, CH3, 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 Al, CH3, 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 ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला यहाँ जुड़ेगा, तो क्या यहाँ पर भी हमारे लिए वही है? बिल्कुल सही है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड जो हमें वहां दिखाई दे रहे थे। तो आप मुझे बताइए, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड मिल रहे हैं? हाँ, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड कितने थे? हाँ, कितने हैं? 2। जबकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड कितने हैं? 4। 1, 2, 3, 4, और ये पूरा एक ही बॉन्ड कहलाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड कितने आएंगे? 2। और 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड कितने आएंगे यहाँ पर? 3। कुछ समझ में आई बात अच्छे से? तो ये हमारे लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट रहा बैक बॉन्डिंग को समझने का। तो कुछ ही पॉइंट्स हमारे आगे आया, हमने लगा ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो डाइमर बना लेते हैं, हो सकता है उसमें भी बैक बॉन्डिंग हो। एक और एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, एल एल सी एल थ्री, ये भी डाइमर बना लेता है, और क्या बनाएगा? Al2Cl6। लेकिन जब मैंने इस कंपाउंड्स को देखा तो क्या देखा, क्या पाया? देखो, एयर एयर, सी एल सी एल सी एल सी एल, आपको क्या लगता है, क्या क्लोरीन के पास लोन पेयर है? हाँ या ना? हाँ। तो क्या इसको बॉन्ड तोड़ के बॉन्ड बनाने की जरूरत है या डायरेक्ट ही बना लेगा? डायरेक्ट ही इसको तोड़ने की जरूरत है क्या? नहीं, तो ये तो डायरेक्ट ही बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्यों? सही है, तो इसको बॉन्ड डिसोशिएट करने की जरूरत थी क्या? नहीं। तो क्या इसको बैक बॉन्डिंग बोलना चाहिए इस जगह? नहीं, क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग में बॉन्ड टूटकर बनता है, वीक हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर होता है। यहाँ देखा जाए तो ये अलग लोन पेयर दे रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ऑलरेडी हो गए, तो ये तो अलग ही तरह का बॉन्ड हो गया, भले इसकी शेप बनाना जैसी है, लेकिन हो ये क्या रहा है, इट इज ए 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, सो इट इज नॉट ए बनाना बॉन्ड। ये बनाना बॉन्ड नहीं कहलाएगा, इसको बैक बॉन्डिंग भी नहीं बोलेंगे। बेटा बैक बॉन्डिंग में वहां बोलता हूं जहां ऑलरेडी पहले एक सिग्मा बॉन्ड हो और फिर बने रेजोनेंस इफेक्ट हो, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलूंगा मैं इसको, कोऑर्डिनेट, एक ने लोन पेयर दिया एक ने ले लिया, खत्म। ये वाला अगर यहां पर ये जो है ये बैक बॉन्डिंग होता, लेकिन ये वाला बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। क्या इसमें बैक बॉन्डिंग है? हाँ है, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? अगर बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव होती तो यहाँ डाइमर बनने की नौबत आती क्या? नहीं ना। तो क्या यहाँ क्यों नहीं है यहाँ पर बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव? क्योंकि इसके पास जो खाली ऑर्बिटल है वो 3p है, और लोन पेयर है वो भी 3p है, और मैंने आपको पहले बोल दिया था 3p 3p इज नॉट इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं बन रही है, इसीलिए तो ये बनाना बॉन्डिंग या इस तरह की बॉन्डिंग के पीछे भागेगा और सक्सेस हो गई। तो अब इसमें बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं है, तो डाइमर तो बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन यहाँ डायमर किसकी वजह से बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से। इसके पास लोन पेयर था, उसको चाहिए, ले लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। कैसे पहले लोन पेयर हुआ करता था? नहीं ना। यहाँ सीएसी के पास क्या लोन पेयर था क्या? नहीं है। तो ये तो प्रॉपर बनाना बॉन्डिंग कहलाएंगे,
डाइमर तो बन ही रहे हैं, डाइमर तो बहुत सारे बनाते हैं, डाइमर पॉलीमर तो बनाते हैं, ठीक है। हाँ बोलो, टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर कैसे, मैं बता रहा हूँ, एल्यूमिनियम और सीएसटी के बीच में कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, दो, और कितने सेंटर के बीच में है वो, तो दो इलेक्ट्रॉन दो सेंटर ही बोलूंगा मैं। और समझ में आ गया सब कुछ? तो आपने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मुझसे समझा, इट इज़ ए फोर इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड, सो इट नॉट बनाना बॉन्डिंग, बट ड्यू टू दिस इट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डाइमर, बट ड्यू टू दिस कंपाउंड जनरेट और जनरेट डाइमर। नॉट इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर 3p 3p है। आप ही बोलो, मैंने AlCl3 क्यों लिया था, इसीलिए लिया था, मैंने AlF3 क्यों नहीं लिया, दो रीजन से, एक वो ये बना नहीं पाएगा और दूसरा उसमें आयनिक करेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो Al+3 और F- की फॉर्मेट में रहता है वो। आ गई बात समझ में? हमेशा बनाना से पहले, इसीलिए मैंने बनाना से पहले बैकबॉन्डिंग पढ़ाया आपको। तो आप मुझे बताएं क्या ऐसे और भी एग्जाम्पल होंगे? चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, आपको बताना है इसमें बैकबॉन्डिंग होगी, बनाना बॉन्डिंग होगी, या फिर फोर इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्डिंग होगी। एक और एग्जाम्पल, और वो होगा Fe ट्वाइस FeCl3 कन्वर्ट इन Fe2Cl6। ये भी यही होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, Fe Fe Cl Cl Cl, इसको जरूरत ही नहीं है, बैकबॉन्डिंग हो नहीं रही है और इसके पास लोन पेयर है, ये इस तरह से बन जाएगा। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा इसमें, फोर इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड, जबकि ये क्या बन जाएगा, टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड। आ रही है बात समझ में? लिखे इसको, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके साथ, IClII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 
क्या लग रहा है आपको, बैक बॉन्डिंग या बनाना बॉन्डिंग, या फिर आपको लग रहा है ये 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड ही बनाएगा? बैक बॉन्डिंग नहीं है, बिल्कुल सही है, इफेक्टिव नहीं है, ऐसे बोलता हूँ मैं तो, बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं है। आगे बनाना बना लेगा ये, क्योंकि लोन पेयर है सराउंडिंग एटम के पास, और सेंटर एटम के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो क्या बनाएगा ये? 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर कैसे बनाएगा? आयोडीन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये क्लोरीन आयोडीन क्लोरीन क्लोरीन, तो ये यहाँ दे देगा ये, तो ये हमारे पास वापस क्या बन जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। इससे इसकी शेप भी चेंज होगी। हाँ भाई हाँ,
लिख लें इसको।